सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए जिससे नेक्स्ट वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। हेलो फ्रेंड्स, मैं चिराग लेकर नई ट्यूटोरियल आपके पास। तो जैसे मैंने आपको वादा किया था, अब मैं आपके लिए बिल्कुल बिगिनिंग से टैली के ट्यूटोरियल समझाने जा रहा हूँ, जिसमें बेसिक से एडवांस सारी टैली कवर होगी। यह कॉमर्स के साथ साथ नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड बनाने वालों को भी समझ में आ जाएगी। इसमें मैं आपको फर्स्ट पार्ट में जो बताने जा रहा हूँ वो अकाउंट्स की मीनिंग होगी, उसके गोल्डन रूल्स होंगे, और जनरल जो आप बनाएंगे यानी एंट्रीज करेंगे उसका फॉर्मेट मैनुअल क्या होता है। टैली का फॉर्मेट तो बाद में आएगा। उसके बाद आपको मैं एंट्रीज जो होगी बहुत सारी वो भी बताने जाऊंगा, क्योंकि नॉन कॉमर्स के लिए वो हेल्पफुल रहेगी। इसके साथ साथ मैं जब अगले पार्ट में आपको कंपनी क्रिएट करना बताऊंगा तो उसके बाद भी एंट्रीज बताऊंगा, क्योंकि वो नॉन कॉमर्स के लिए भी काम में आएगी, नहीं तो उन्हें बेसिक ही समझ में नहीं आता। तो मैं आपको ये क्लियर करवाऊंगा। आई होप आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आएगी। तो लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अकाउंट्स का अर्थ पता करते हैं, यानी लेखांकन का अर्थ क्या है। तो इसमें सबसे पहले आपको ये बात जाननी होगी कि जब भी आप बिजनेस करते हैं तो आप उसके ओनर हैं। तो बिजनेस और ओनर दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं, यानी ये दोनों एक ही नहीं होते हैं। अगर ओनर ने कैपिटल लगाई, यानी जो भी अपना पैसा लगाया, तो उसने वो बिजनेस को दे दिया, तो बिजनेस एक सेपरेट पर्सन बन गया है और सारे ट्रांजेक्शन जो भी होंगे वो बिजनेस के नाम से होंगे। जैसे मेरा नाम चिराग और मैंने अमाउंट लगाया और जो भी बिजनेस स्टार्ट किया, तो सपोज मैंने चिराग इलेक्ट्रॉनिक्स ओपन की शॉप, तो वो चिराग इलेक्ट्रॉनिक्स नाम से सारे ट्रांजेक्शन होंगे और जो भी लेन देन होंगे वो चिराग इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से होंगे, न कि चिराग के नाम से। मैं तो उसमें एक ओनर, मैनेजर या डायरेक्टर की पोस्ट पे कहलाऊंगा, या जो भी पोस्ट है उससे रिलेटेड कहलाऊंगा। तो सारा पार्ट जो भी होगा ट्रांजेक्शन वो चिराग इलेक्ट्रॉनिक के नाम से होगा। तो सबसे पहले आपको या नॉन कॉमर्स वालों को ये याद रखने की जरूरत है कि बिजनेस के नाम से एंट्री होगी और बिजनेस के हिसाब से ही लेन देन होंगे। फिर उसके बाद लेखांकन के अर्थ में सबसे पहले आता है कि आप कौन से ट्रांजेक्शन की लेन देन करोगे। तो जिनको आप मनी में मेजर कर सकते हो, यानी मुद्रा में माप सकते हो, यानी जो फाइनेंशियल नेचर के हो। जैसे मैंने किसी पार्टी से माल खरीदा, किसी पार्टी को माल बेचा, तो उसमें अमाउंट भी आ रहा है कि 50,000 रुपये का माल खरीदा, 50 का माल बेचा, किसी बैंक से लोन लिया, किसी बैंक को वापस से लोन रीपे कर दिया, किसी पार्टी को पेमेंट किया, किसी पार्टी से रिसिप्ट हुई, तो उसमें सब अमाउंट आ रहा है, मनी आ रही है। लेकिन मैंने जैसे बोला कि अगर मैं मैनेजर से CEO बन गया तो इसकी एंट्री नहीं की जा सकती, क्योंकि ये फाइनेंशियल नेचर की नहीं है। हाँ, लेकिन अगर इसमें सैलरी का पार्ट आया कि मैंने किसी को सैलरी दी, तो उसमें भी मनी का पार्ट आ रहा है, तो आपको वो देखना पड़ेगा। तो इसलिए वित्तीय स्वभाव के लेन देनों को आप क्रमबद्ध रूप से रिकॉर्ड करेंगे, यानी इसका मतलब हो गया कि हमें हर ट्रांजेक्शन को सीरियल वाइज रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपका सबसे फर्स्ट पार्ट आता है जर्नल एंट्री। उसके बाद आपको क्या करना है, उसको क्लासिफाई करना है, तो वो आप आगे समझोगे, इसलिए मैं फास्ट में बता देता हूँ कि आपको क्या है, लेजर बनानी पड़ती है। जैसे कैश कैश के ट्रांजेक्शन सारे एक ही जगह आ जाएंगे, बैंक के ट्रांजेक्शन एक ही जगह, कस्टमर को आपने माल बेचा तो कितनी बार माल बेचा, उससे कितना अमाउंट लेना है, कितना माल उसने लौटाया, तो वो सारा पार्ट लेजर में शो हो जाएगा। फिर ट्रायल बैलेंस में इन सब के बैलेंस आते हैं पार्टी के, जिनमें एसेट्स लायबिलिटी एक्सपेंस इनकम की समरी आ जाती है, जिसको समरी तैयार करने के लिए हमें ट्रेडिंग PNL और बैलेंस शीट बनानी पड़ती है, जिससे फाइनेंशियल नेचर बिजनेस का पता चल जाता है और लास्ट में उनकी इनकम और फाइनेंशियल पोजीशन पता चल जाती है। तो ट्रेडिंग PNL के थ्रू इनकम स्टेटमेंट पता चलता है, यानी नेट प्रॉफिट नेट लॉस, और बैलेंस शीट के थ्रू बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है, जो आपको धीरे धीरे डिटेल में समझ में आ जाएगी आगे। तो ये बोल रहा है कि हम जो भी अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स हैं उसको किस तरीके से प्रस्तुत करेंगे, वो ही अकाउंट है, और जितने भी नेचर है वो फाइनेंशियल नेचर के होने चाहिए। तो आपका सबसे पहला पार्ट तो ये था। चलिए अब सेकंड पार्ट पे बढ़ते हैं, जिसमें अकाउंटिंग के गोल्डन रूल्स बता रखे हैं। तो अगर आपने ये पार्ट कवर कर लिया, तो मान लीजिए ये 50% पार्ट को कवर कर लेगा, जो भी हमारा अकाउंट से रिलेटेड टैली से रिलेटेड है। तो इसमें आपके तीन रूल्स होते हैं अकाउंटिंग के गोल्डन रूल्स, मतलब तीन अकाउंट्स होते हैं। सबसे पहला अकाउंट होता है रियल अकाउंट, वस्तुगत खाता। दूसरा होता है पर्सनल अकाउंट, व्यक्तिगत खाता। और तीसरा होता है नॉमिनल अकाउंट, नाम मात्र खाता। तो सबसे पहले फर्स्ट मैं बताने जा रहा हूँ वस्तुगत खाता। तो इसमें सारी वस्तु की बात करेगा, वस्तु मतलब जो बिजनेस से रिलेटेड, कैश, गुड्स, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर, AC, व्हीकल एटसेट्रा, बहुत सारे होते हैं।
तो वस्तु की बात करेगा जिन्हें हम देख भी सकते हैं और जिन्हें हम देख भी नहीं सकते हैं, तो इसमें मैंने आपको और पार्ट दिए नहीं है एग्जाम्पल में, क्योंकि मैं सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ। तो वस्तुगत में बोल रहा है कि वॉट कम्स इन डेबिट एंड वॉट गोज आउट क्रेडिट। हिंदी में बोल सकते हैं आने वाली वस्तु डेबिट और जाने वाली वस्तु क्रेडिट। तो वस्तु जो भी आएगी, जैसे सपोज अगर कैश आया तो उसको डेबिट कर दोगे, लेकिन अगर आपने पेमेंट किया है तो उसको क्रेडिट कर दोगे। तो डेबिट का मतलब होता है नाम और क्रेडिट का मतलब होता है जमा। डेबिट को अगर वैसे बोलेंगे तो ड्यू फॉर डेट बोलते हैं इंग्लिश में इसका नॉर्मल, और क्रेडिट का मतलब होता है ड्यू टू दैट। ड्यू फॉर दैट मतलब उसके लिए दे, और क्रेडिट मतलब होता है ड्यू टू दैट मतलब उसको दे। तो ये आपको समझ में इतना नहीं आएगा तो आपको ये डेबिट क्रेडिट रट ही लेना एक तरीके से, कि डेबिट मतलब नाम होता है और क्रेडिट मतलब जमा होता है। पर इसके बाद जो पार्ट आता है वो व्यक्तिगत खाते से रिलेटेड आता है। इसमें नाम से ही पता चल रहा है कि ये व्यक्ति की बात कर रहा है, तो व्यक्ति नेचुरल भी हो सकते हैं यानी प्राकृतिक भी हो सकते हैं, आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं यानी कृत्रिम भी हो सकते हैं, और रिप्रेजेंटेटिव भी हो सकते हैं प्रतिनिधित्व करने वाले भी हो सकते हैं। तो मैंने उसका इतना डिटेल नहीं बताया, लेकिन फिर भी बता देता हूँ कि नेचुरल मतलब जैसे मैंने किसी पर्सन राम को माल बेचा, तो राम क्या है, नेचुरल पर्सन है। लेकिन अगर मैंने राम इलेक्ट्रॉनिक्स, राम ट्रेडर्स, राम एंटरप्राइज को माल बेचा तो एक फॉर्म है, तो वो कृत्रिम पर्सन हो गया यानी आर्टिफिशियल बोलते हैं। तो जैसे अगर मैंने किसी एजेंसी को माल बेचा, एजेंसी से माल खरीदा, किसी पार्टनरशिप फॉर्म को माल बेचा, किसी इंस्टीट्यूट के साथ ट्रांजेक्शन किया, किसी क्लब के साथ किया, तो वो आर्टिफिशियल हो गए। किसी बैंक के साथ किया कि बैंक में कैश जमा कराया, तो वो व्यक्तिगत खाते में आ जाएंगे। तो इसमें दो पर्सन होते हैं, एक पाने वाला, तो अगर मैंने जैसे बैंक में पैसा जमा कराया तो पाने वाला कौन है, बैंक, तो पाने वाले व्यक्ति को डेबिट। इसी तरीके से सपोज मैंने बोला कि मैंने मनीष ट्रेडर्स को माल बेचा, तो पाने वाला कौन है, मनीष ट्रेडर्स, तो उसको डेबिट कर दिया जाएगा। अगर मैंने किसी पर्सन से माल खरीदा, जैसे मैंने बोला कि मैंने रवि से माल खरीदा, तो माल देने वाला कौन है, रवि, तो देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो ये नॉर्मल फॉर्म थी जो आपको एंट्रीज में समझ में आगे आएगी। इसके बाद आता है हमारा नॉमिनल अकाउंट यानी नाम मात्र खाता, जिसमें जिसको अवास्तविक खाता इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका इफेक्ट रियल में किसी एग्जिस्टेंस, रियल में किसी वस्तु पर नहीं पड़ता, लेकिन जो आपकी बिजनेस की अकाउंटिंग को इफेक्ट करेगा ही अपने ट्रांजेक्शन के थ्रू। तो इसमें सारे खर्चे व हानियों को डेबिट किया जाता है और सारे आय व लाभ को क्या किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है, यानी जितने भी ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट एंड ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट। तो जैसे सैलरी, रेंट, वेजेस, अगर हमने किसी को पे की है तो वो डेबिट हो जाएगी। जैसे मैं बोलता हूँ कि मैंने राम को सैलरी 20,000 रुपये पे की, तो सैलरी डेबिट हो जाएगी और मेरा कैश जा रहा है तो वो क्रेडिट हो जाएगा। तो इन सब तीनों रूल्स का आपस में मिक्स बन जाता है और एक एंट्री का फॉर्म ये ले लेता है। तो इसमें आपकी आय व लाभ को क्रेडिट, तो जैसे कमीशन मिला तो मैंने कमीशन को क्रेडिट कर दिया, तो ये सारा पार्ट आपका इसमें आ जाता है। अब इस पार्ट में जैसे मैंने आपको कुछ टर्म्स बता रखी है, तो ये आपको बस हल्का सा ब्रीफ, हल्की सी नॉलेज देने के लिए बता रखी है कि जैसे मैंने माल खरीदा तो हम माल किससे खरीदेंगे, सप्लायर से। तो अगर हमने माल सप्लायर से खरीदा तो वो परचेज है। अगर मेरा काम जैसे फर्नीचर का है तो फर्नीचर मेरे लिए गुड्स कहलाएंगे, वो मेरे लिए एक माल कहलाएंगे। अगर मेरा काम कंप्यूटर का है तो वो मेरे लिए गुड्स कहलाएंगे। लेकिन अगर मैं उसको रीसेल करने के लिए यूज़ नहीं करता, यानी जैसे अगर मेरा कपड़े का काम है तो वो कपड़ा मेरे लिए गुड्स है, लेकिन अगर मैंने एक कंप्यूटर खरीद रखा है ताकि मैं बिलिंग कर सकूं या अकाउंट्स का काम कर सकूं, तो वो कंप्यूटर मेरे लिए फिक्स असेट्स है। जो मैं व्हीकल यूज़ कर रहा हूँ वो मेरे लिए फिक्स असेट्स है, क्योंकि मैं उसको बेचूंगा नहीं और आगे बिजनेस में लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करूंगा, यानी वो रीसेल के पर्पज़ के लिए नहीं है। तो गुड्स वो होते हैं जो रीसेल के पर्पज़ के लिए होते हैं, यानी जिनको मैं बेचने का काम करता हूँ। तो जब मैंने माल खरीदा सप्लायर से तो वो परचेज कहलाएगा, जब मैंने माल कस्टमर को बेचा तो वो सेल्स कहलाएगा। लेकिन अगर मैं फिक्स असेट्स को खरीद रहा हूँ तो वो फिक्स असेट्स के नाम से आएगी। जैसे मैंने बोला कि मैंने कंप्यूटर ऑफिस के लिए खरीदा, तो वो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट ही आएगा, क्योंकि आने वाली वस्तु डेबिट और कंप्यूटर को हम डेबिट कर देंगे। लेकिन मैंने बोला कि मैंने 10,000 रुपये का माल खरीदा, जैसे मैंने कपड़े खरीदे, तो वो जाएंगे, वो परचेज अकाउंट पे ही जाएंगे कि परचेज अकाउंट डेबिट। अब मैंने अगर नकद खरीदा है तो मेरा कैश जा रहा है, और अगर मैंने उधार खरीदा है तो पार्टी का नाम आ जाएगा। इसी तरीके से डेटर्स वो पर्सन जिनको हम गुड्स बेचते हैं, यानी कस्टमर आ गए इसमें, और उनसे किसी निश्चित ड्यू डेट, जैसे अगर हमने 2 महीने की उधार दी है तो 2 महीने बाद उनसे हमें पैसे मिल जाएंगे। क्रेडिटर वो होते हैं जिनसे हमने उधार माल खरीदा है,
तो सपोज अगर हमने उनको 1 महीने हमने उनसे 1 महीने के लिए माल खरीदा है, तो हमें उन्हें 1 महीने बाद पे करना पड़ेगा। इसका मतलब ये सप्लायर होते हैं जो हमें माल बेचते हैं, जिनसे हम माल खरीदते हैं, और हम जिन्हें किसी निश्चित ड्यू डेट पर राशि का भुगतान करने का वचन देते हैं, यानी प्रॉमिस करते हैं। पर्चे रिटर्न का मतलब हो गया कि जिस पार्टी से हमने माल खरीदा है, अगर उस पार्टी को हमने माल वापस दे दिया क्योंकि कोई घटिया क्वालिटी का होगा या क्वालिटी के अकॉर्डिंग नहीं होगा। इसी तरीके से सेल्स रिटर्न का मतलब ये होता है कि जब हमने किसी कस्टमर को माल बेचा और उस कस्टमर को क्वालिटी के अकॉर्डिंग नहीं लगा, या रेट में डिफरेंस था, या फिर किसी भी वजह से, रीजन से, अगर उस कस्टमर ने हमें माल लौटा दिया, तो हमारे लिए सेल्स रिटर्न कहलाता है, क्योंकि वो हमारे गुड्स से रिलेटेड है, इसलिए ये हमारे परचेज और सेल्स रिटर्न के पार्ट में आ रहा है। तो आई होप आपको इतना पार्ट समझ में आया होगा। अब अगले पार्ट में हम बता रहे हैं जर्नल का फॉर्मेट और इसके अलावा जर्नल एंट्रीज। तो जर्नल का फॉर्मेट आप देखते हो, मैनुअली लोग अगर किताबें मेंटेन करते हैं तो उसमें शो होता है। टैली में थोड़ा अलग होता है, लेकिन इसी से रिलेटेड होता है, इसलिए आपको पहले बेसिक मैनुअल पता होना चाहिए। तो डेट, पर्टिकुलर्स, LF आपका काम का नहीं है क्योंकि टैली में काम नहीं आएगा, क्योंकि आजकल ऑटोमेटिकली अकाउंट मेंटेन होते हैं। तो ये लेजर फोलियो का होता था वैसे, कि लेजर का पेज नंबर कहाँ है, कि अगर आप कोई अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं जैसे कैश का, तो उसका लेजर में पेज नंबर क्या है, तो इसलिए आपका जनरली ये काम नहीं आता। डेबिट क्रेडिट में अमाउंट शो होते हैं, तो डेबिट साइड में डेबिट का अमाउंट और क्रेडिट साइड में क्रेडिट का अमाउंट। तो आपको डेबिट का मतलब पता है नाम, तो इसका मतलब क्या है कि हमें किस पर्सन से कितने अमाउंट लेना है, या हमने किस पर्सन को कितना माल बेचा, तो वो सारा पार्ट आ जाएगा। फिर जब हमें उस पर्सन से पैसे मिल जाते हैं, तो हम उसको क्रेडिट कर देते हैं, तो क्रेडिट मतलब हो जाता है जमा। इसी तरीके से हमने किसी पार्टी से माल खरीदा उधार, तो हमने उसको क्रेडिट कर दिया क्योंकि हम उसको पेमेंट करना है, तो इसलिए इसका नाम आ गया उसको दे। अकाउंट को शॉर्ट में बोलते हैं A/C। तो आपको मैंने जल्दी जल्दी पार्ट में बता दिया है। तो जैसे फर्स्ट अगर आप एंट्री करते हो, तो आप ध्यान से देखिएगा, चिराग द्वारा नगद 1 लाख से व्यवसाय प्रारंभ किया, तो चिराग बिजनेस स्टार्ट करने वाला है। तो बिजनेस और चिराग दोनों सेपरेट हो गए, तो चिराग ने बिजनेस को कैश दिया, तो कैश बिजनेस में आ रहा है और आने वाली वस्तु हो जाएगी डेबिट, इसलिए हमने देखो ऊपर लिख दिया कैश अकाउंट डेबिट। ये बाय साइड होती है, जिसमें बाय आपका क्या होता है, शो नहीं होता, हमें लिखने की जरूरत नहीं होती है। और टू मतलब कैपिटल, क्यों, क्योंकि चिराग ने अपना पैसा लगाया है, इसलिए वैसे हम टू चिराग करते, उसकी जगह हमने लिख दिया टू कैपिटल, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट करते समय जो पैसा लगाया जाता है उसको पूंजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पूंजी, कैपिटल, तो ये कर दिया। फिर सेकंड है SBI बैंक में 40,000 रुपये से चालू खाता खोला। तो अगर मैं SBI बैंक में चालू खाता खोलता हूँ, तो पाने वाला कौन है, SBI बैंक, हमारे बिहाफ पे, और उस बैंक में पैसे आ रहे हैं, तो पाने वाले व्यक्ति को डेबिट कर देते हैं और हमारे हाथ से कैश जा रहा है, तो आप कैश को कर दोगे क्रेडिट। तो जो टू साइड है वो क्रेडिट को डिनोट करेगी, और जो ऊपर की साइड है वो डेबिट को डिनोट करेगी, जिसको हम बाय बोलेंगे। तो अभी अभी आपने ये दो एंट्री समझी। अब जो आपने सेकंड एंट्री की थी, उसका मतलब आपने जो अकाउंट खोला हुआ, करंट अकाउंट खोला है, चालू खाता, तो आप सेविंग अकाउंट नहीं खोल सकते बिजनेस में, करंट अकाउंट ही ओपन होता है। फिर आपको इसके बाद तीसरी एंट्री दे रखी है, जैसे रवि ट्रेडर से आपने 8,000 का माल खरीदा, तो मैं नॉन कॉमर्स के लिए समझा रहा हूँ, क्योंकि कॉमर्स वालों को तो एंट्री आती है। तो नॉन कॉमर्स से रिलेटेड, कि अगर आपने गुड्स परचेज किया है तो गुड्स आ रहा है, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि हमने खर्चा किया है, तो आप वैसे इसको एक्सपेंस के फॉर्म में ही बोलते हैं, इसलिए परचेज अकाउंट डेबिट हो जाता है। लेकिन अगर मैंने 8,000 रुपये का माल की जगह मैं बोलता 8,000 रुपये की मशीन या कंप्यूटर, तो परचेज की जगह मशीन या कंप्यूटर डेबिट हो जाता, क्योंकि वो हमारा गुड्स नहीं था, हमारा फिक्स एसेट्स होता। अगर हमारा उसका काम ही है तो परचेज करते, या हम थ्योरी के हिसाब से कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे जो भी काम कर रहे हैं उसके लिए लिख रहे हैं माल खरीदा। तो जैसे अगर मेरा कपड़े का काम है तो भी मैं परचेज लिखूंगा, अगर मेरा फर्नीचर का काम है तो भी मैं परचेज लिखूंगा, क्योंकि मेरा उसका खरीदने और बेचने का काम है। तो गुड्स आ रहा है या खर्चा हो रहा है, इसलिए हमने कर दिया परचेज अकाउंट डेबिट। और टू रवि ट्रेडर्स इसलिए किया क्योंकि हमने उधार खरीदा है, अगर हम नगद खरीदते तो हम करते टू कैश, क्योंकि हमारा कैश जा रहा होता, लेकिन यहाँ हमें पर्सन को पैसे देने हैं, तो देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट कर दिया जाता है, जो कि व्यक्तिगत खाते में आता है, जो मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ। सब वो जिसी तरीके से हमने फोर्थ कि हमने एक कस्टमर लोकेश ट्रेडर को 15,000 का माल बेचा, तो पाने वाला कौन है, लोकेश ट्रेडर्स, तो हमने नगद नहीं बेचा, इसलिए हम पर्सन का नाम लिख रहे हैं, उधार के केस में पर्सन का नाम आ जाता है। और हमने गुड्स बेचा है,
इसलिए वो हमारी इनकम है और इनकम को क्रेडिट कर दिया जाता है। ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट, सारे आय व लाभों को क्रेडिट किया जाता है। तो टू सेल्स हमने क्रेडिट कर दिया है। और सेल्स का अगर वैसे ले सकते हो तो आप ये देख सकते हो कि गुड्स हमारा जा रहा है तो गुड्स को जाने वाली वस्तु को क्रेडिट किया जा सकता है, तो उसी तरीके से इसको भी क्रेडिट किया है, तो इस तरीके से भी आप देख सकते हैं। फिर अब जैसे फिफ्थ एंट्री है, रवि ट्रेड को 2,000 रुपये का माल लौटाया। हम उस पर्सन को माल लौटा रहे हैं जिससे हमने माल खरीदा है, तो पाने वाला कौन है इस बार? रवि ट्रेडर्स। और हमारे पास से माल जा रहा है इसलिए जाने वाली वस्तु क्रेडिट, तो हमने पर्चे रिटर्न को कर दिया है क्रेडिट, ये परचेज में से लेस हो जाएगा, तो इसलिए हमने टू पर्चे रिटर्न अलग से डिनोट करके दिखा दिया। लोकेश ट्रेडर से 5,000 का माल वापस आया है, तो हमने जब किसी पार्टी को माल बेचा तो वो सेल्स क्रेडिट था, अगर माल वापस आया तो हम कर देंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू लोकेश ट्रेडर्स। क्यों? क्योंकि माल हमारे पास वापस से आ रहा है तो आने वाली वस्तु डेबिट, और देने वाला कौन है? लोकेश। तो जिसको हमने पहले डेबिट किया था उतने से उसको हमने कम करने के लिए क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। अब जैसे मैंने आपको वही बताया कि अगर मैंने कंप्यूटर एम के इन्फोटेक से 8,000 का खरीदा, तो यहाँ मैं इसे फिक्स एसेट्स मान रहा हूँ क्योंकि मेरे गुड्स के लिए मैंने सारी जगह माल खरीदा माल बेचा बोला है, तो कंप्यूटर मेरी फिक्स एसेट्स है। आने वाली वस्तु डेबिट, तो मेरे पास कंप्यूटर आ रहा है बिजनेस में, उसको डेबिट कर दिया। और देने वाला है जो, उसको मैंने पेमेंट नहीं किया तो उधार के ट्रांजेक्शन के लिए उस पार्टी का नाम आ जाएगा, तो देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो जैसे कि आ गया टू एम के इन्फोटेक 8,000 से। तो आई होप इस तक आपको समझ में आ गया। इसके बाद मैं आपको अगली एंट्री बताने जा रहा हूँ। अब देखिए ये 8th एंट्री जो आपको दिखा रही है, कंप्यूटर एम के इन्फोटेक से 8,000 रुपये का नगद खरीदा। तो जैसे पहले केस में मैंने नगद नहीं लिखा था, तो उस केस में मैंने पार्टी का नाम लिखा था। अब कंप्यूटर तो आ ही रहा है लेकिन पार्टी का नाम इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मैंने नगद में खरीदा है, तो मेरा कैश जा रहा है, तो पार्टी के नाम से कोई मतलब ही नहीं है। तो कंप्यूटर आ रहा है और कैश जा रहा है, तो आने वाली वस्तु डेबिट और जाने वाली वस्तु क्रेडिट। व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। अब 9th एंट्री दिख रही है आपको, रवि ट्रेडर से 10,000 रुपये का माल नगद खरीदा। तो मेरे पास वही माल नगद, तो गुड्स आया है, तो परचेज अकाउंट डेबिट कर दिया क्योंकि मैंने बोला कि गुड्स से रिलेटेड पार्ट है। अब मैंने ये उधार नहीं खरीदा, तो पहले मैंने वही एंट्री दिखाई थी उसमें मैंने टू रवि लिखा था, लेकिन इस बार मैंने क्या लिखा हुआ है? टू कैश, क्योंकि मेरा कैश जा रहा है तो मुझे पार्टी के नाम से मतलब नहीं है। फिर इसके बाद मैंने बताया लोकेश ट्रेडर को मैंने 6,000 रुपये का माल नगद बेचा, तो यहाँ भी वही गुड्स है माल, तो हमारे पास क्या आ रहा है? कैश आ रहा है, क्योंकि नगद माल बेचने पर कैश आता है और गुड्स जा रहा है, तो इसलिए मैंने गुड्स को क्रेडिट कर दिया। तो बेचने के लिए लिखते हैं सेल्स और खरीदने के लिए आने के लिए लिखते हैं परचेस, तो इसलिए मैंने बेचने के लिए लिख दिया सेल्स। तो समझ गए, जैसे मैंने पहले लोकेश ट्रेडर को ही डेबिट किया था जब मैंने उधार बताया था, तो अब ये उधार नहीं है, इस पार्टी ने हमें कैश दे दिया है तो हमें उसके नाम से मतलब नहीं है और हमने कैश अकाउंट डेबिट कर दिया। इसी तरीके से सपोज अगर आपने नगद 3,000 रुपये SBI बैंक से निकाले, तो आपके पास बिजनेस में क्या आया वो देखिए, तो बिजनेस में कैश आया। और इसी तरीके से पर्सनल अकाउंट का ये रूल आ गया SBI बैंक, क्यों? क्योंकि वो देने वाला है, तो आने वाली वस्तु डेबिट कैश अकाउंट डेबिट, और देने वाले पर्सन को क्रेडिट कर दिया जाता है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, तो हमने गिवर को क्रेडिट कर दिया टू SBI बैंक अकाउंट करके। इसी तरीके से 12th में आपको दे रखा है रिलायंस लिमिटेड के 4,000 रुपये के अंश नकद खरीदे, तो हमने कर दिया इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो ये इसलिए करा क्योंकि हमने अपने बिजनेस से पैसा निकाल कर बिजनेस के बाहर लगाया, तो अगर कोई आप पैसा बिजनेस के बाहर लगाते हो तो उसे हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। तो हमने इन्वेस्टमेंट खरीदे तो इन्वेस्टमेंट आया, और इसके बाद गया क्या है? कैश, तो इसलिए जाने वाली वस्तु को करते हैं क्रेडिट। तो आने वाली वस्तु क्या है आपके पास? इन्वेस्टमेंट, और जाने वाली वस्तु क्या है? कैश, इसलिए इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ये आ गया। आई होप आपको यहाँ तक ये एंट्री समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद मैं आपको अगले ट्यूटोरियल में बेसिक से रिलेटेड और कंपनी क्रिएशन से रिलेटेड पार्ट बताऊंगा, मतलब जनरल एंट्रीज और बताऊंगा, और कंपनी कैसे क्रिएट की जाती है वो भी पार्ट आपको बताऊंगा, और अल्टरेशन कैसे किया जाता है। आई होप आपको ये ट्यूटोरियल ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आया होगा, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, और मेरे ट्विटर पर लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तभी हम आगे इसी एफर्ट को बढ़ा सकेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मेरे GST से रिलेटेड वीडियोज़ को भी ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।